तो देखिए गाइस, प्लेन फैब्रिक से हम इसको कैसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो मैंने ये प्लेन फैब्रिक में इस तरह से डिज़ाइन किया है। इसकी जो पिक्चर है वो मुझे फेसबुक पे मेरी एक सब्सक्राइबर ने मुझे सेंड किया था, तो उसी को देखते हुए मैंने इसको रेडी किया है। तो देख लीजिए, इसमें मैंने लेस ऐड किया है और इस तरह से मैंने टेसल्स बनाए हैं और ये नीचे घेरे में भी मैंने इस तरह से लेस को ऐड करके इस तरह से इसको अच्छे से रेडी कर दिया है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैं आपको बताऊँगी। आप लोग जो भी मुझे पिक्चर भेज रहे हैं इंस्टाग्राम पे, मैं वो देख रही हूँ। मैं ज़रूर आप लोगों के साथ उसको स्टेप बाय स्टेप शेयर करूँगी। ओके, तो आप इंतज़ार कीजिएगा। ओके, तो चलिए इसकी कटिंग और स्टिचिंग देखते हैं हम। इसको आसान तरीके से मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी। तो देखिए, ये मैंने फैब्रिक ले लिया है, ये 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है मैंने, और जो इसकी विड्थ है वो 44 की ही है, जो हमारी नॉर्मल विड्थ होती है फैब्रिक की। तो आप इसको रेयन फैब्रिक में भी ले सकते हैं। ओके, तो इसकी जो धोती शलवार है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। इसकी जो टॉप है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तो चलिए इसकी को हम कटिंग करते हैं इसकी, और इस फैब्रिक को हम इसको खोल के फैब्रिक को फोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे फोल्ड करना है, इतना घेरा हमने इसमें कैसे बनाया है ये मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। तो देखिए, सबसे पहले तो इस किनारी वाले साइड से हम इसको यहाँ से, ये देखिए, एक ट्रायंगल शेप में इस तरह से, ठीक है, इस तरह से एक ट्रायंगल शेप में इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। तो इस तरह से फोल्ड करने से हमारा जो घेरा है वो अच्छे से निकल आएगा। तो देखिए, इस तरह से ये मैंने ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर दिया है। यहाँ से हमारा फुली ओपन है, ठीक है, और यहाँ से देखिए हम इसको इस तरह से, ये जितना हमारा विड्थ है उतना ही इसमें हम मेजरमेंट करते हुए इसको अम्ब्रेला कट की तरह इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इस तरह से मैंने निशान लगा दिया है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ निशान। तो इसको मैं कट कर देती हूँ अभी। तो ये इस तरह से देखिए, ये कट चुका है अभी। ठीक है, तो इसी में हम अपनी कुर्ती को मेजरमेंट लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ से हम ऊपर से मैं मेजरमेंट लगाऊंगी। यहाँ से देखिए, सबसे पहले तो हम यहाँ से अपना शोल्डर लगाएंगे। आपका जितना भी शोल्डर हो वो यहाँ पर लगा दीजिएगा। वो मेरा 7 इंच का शोल्डर है तो मैं यहाँ पर लगा दी हूँ अभी। ओके, तो यहाँ से देखिए 7 इंच पे ही लगाएंगे। ओके, तो ये हमारा आर्म होल होगा। तो मैं इसको थोड़ा सा पक्का कर रही हूँ इस तरह से, तो आप लोगों को ये निशान जो है वो विजिबल हो जाएंगे। तो देखिए, ये 7 इंच पे ही लगाया है और 1 इंच मैंने इस तरह से पीछे कर दिया है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ से इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं एक दूसरे को। तो देखिए गाइस, ये जो कुर्ती है इसमें बहुत अच्छा घेर आया है। आप लोग भी इस तरह से कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा घेर आता है इसमें। तो देखिए, यहाँ से हम अपना चेस्ट लगाएंगे, जो कि मेरी 40 की चेस्ट है, उसका 4th पार्ट मैंने लगाया है और 1/2 इंच मैंने इसमें मार्जिन ले लिया है। इसको मैं मीडियम साइज में बना रही हूँ, आप इसको एक्सेल तक इसको वेयर कर सकते हैं। ओके, तो देखिए ये मैंने अब इसको शेप दे दिया है। और यहाँ से देखिए, मैं वेस्ट लेंथ लगा रही हूँ, 15 इंच की मेरी वेस्ट लेंथ है, तो मैं 15 इंच पे इस तरह से लगा देती हूँ अभी। और इसको भी यहाँ से मैं सीधा कर देती हूँ। ठीक है, तो देखिए, ये जितना हमारा चेस्ट है उतना ही हम नीचे भी लगा देंगे, क्योंकि हम इसमें डोरी डालने वाले हैं। इसको फिटिंग के लिए आप जितनी चाहे इसमें फिटिंग इसको कर सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से शेप दे दिया है। अब देखिए, यहाँ से हमें हिप का निशान नहीं लगाना है, तो इस तरह से हम इसको सीधा सीधा इसमें निशान लगाकर कट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से हमारा इस तरह से आया है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको शेप दे देती हूँ ताकि इसका शेप जो है वो अच्छे से राउंड में आ जाए। तो यहाँ से देखिए, ये शेप दे दिया है मैंने। अब इसको कट कर देती हूँ, मैं आप लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो ये गले की चौड़ाई मैं रख रही हूँ 3 इंच पे, और यहाँ से 1/2 इंच डाउन करके इस तरह से ज्वाइन कर रही हूँ, जैसे हम बेसिक जो कुर्ती के लिए लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही है। ओके, तो देखिए, अब इसको कट करके दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। तो ये हमने आर्म होल कट किया इस तरह से, तो ये इस तरह से मैंने कट कर दिया है। आप लोग मुझे जो भी पिक भेज रहे हैं उसकी वीडियो मैं ज़रूर लाऊंगी आप लोगों के साथ, प्लीज़ इंतज़ार करें आप लोग। तो देखिए, ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर नोच लगा देते हैं हमारे वेस्ट में। ओके गाइस, तो ये देखिए, ये हमारे 2 पीस हो गए। ठीक है,
तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर नोच लगा देते हैं एक वेस्ट में, ताकि हमें यहाँ से डोरी लगाना है, हमें यहाँ पर ये नोच लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने नोच लगा दिया है। इस तरह से आप इसको यहाँ से बैक पीस को अलग कर देते हैं और ये जो फ्रंट है हमारा उसका जो आर्म होल है इसको कट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसकी हम नेक भी बनाएंगे, मैं आप लोगों को बताऊंगी इसमें नेक कैसे बनाना है। ठीक है, तो देखिए ये कट हो गया अभी हमारा, तो चलिए इसकी स्टिचिंग करना शुरू कर देते हैं। तो देखिए ये मैंने फिर से इसको फोल्ड करते हुए दोनों पीस को इस तरह से रख दिया है। अभी यहाँ से मैं लगा रही हूँ 2.5 इंच पे, ये सिलने के बाद 3 इंच पे हो जाएगा। और ये जो मेरा नेक की लेंथ है ये लगा रही हूँ मैं 6.5 इंच पे। ठीक है, और यहाँ से इस तरह से लाइन को ड्रॉ कर देते हैं। तो देखिए मैंने दूसरे चौक से इसको आपको विजिबल होने के लिए दूसरा चौक यूज़ किया है, तो ये आप लोगों को दिख रहा है अभी। तो देखिए यहाँ से मैं इस तरह से निशान लगा देती हूँ। पिक में इसका जो नेक है ये बिल्कुल ऐसे ही था, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे ही किया है। ओके, तो आप चाहो तो इसमें कोई और नेक भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये जो बैक नेक है ये मैंने 3 इंच पे लिया है, 3 से 3.5 इंच पे। तो इसको कट कर देती हूँ मैं। सबसे पहले बैक कट करेंगे फिर फ्रंट कट करेंगे। चलिए मैं इसको कट करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो देखिए ये बैक है हमारा और ये देखिए ये हमारा फ्रंट है। ठीक है, तो ये दोनों हमारे नेक कट हो चुके हैं। तो चलिए इसको अभी हम स्टिचिंग करते हैं इसकी। तो जो नॉर्मल नेक है वैसे ही रखा है हमने। तो अभी देखिए फ्रेंड्स इसको हम फोल्ड करेंगे अभी नेक को, क्योंकि हम इसमें फ्यूजिंग नहीं डालने वाले हैं। तो ये मैंने ओरेब में लिया है ये पट्टी और इसको यहाँ से इस तरह से लगाते हुए इसको नेक को फोल्ड कर लेंगे। इसके आगे का मैं अभी आप लोगों को और भी बताऊँगी। इसमें भी हम बिल्कुल ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया करें और कमेंट भी किया करें और सपोर्ट करें मेरे चैनल को। तो देखिए ये इस तरह से फोल्ड करना है हमें। तो नेक बनाना भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ अभी। तो देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करना है, बिल्कुल खींचना नहीं है हमें। नेक जैसा हमारा शेप में है बिल्कुल वैसे ही बिठाते हैं हमें इसको सिलते जाना है। ठीक है, तो ये देखिए इस तरह से फोल्ड करना है हमें। ये बहुत ही अच्छे से बन जाता है नेक, इतना इसमें कुछ हार्ड नहीं है। तो देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करते जाना है। नेक हमारा जैसा है वैसे ही हमें गोलाई में इसको रखते जाना है और इसको इस तरह से सिलते जाना है। बिल्कुल इसको सीधा रखते हुए नहीं सिलना है, वरना आपका नेक का जो शेप है वो बिगड़ सकता है। ये देखिए इस तरह से हमें रखते हुए सिल देना है। तो देखिए ये फ्रंट हमारा इस तरह से सिल चुका है, इसको मैं आयरन करूँगी अच्छे से। तो ये बैक में देखिए इस तरह से मैंने कट भी लगा दिए हैं और इसको देखिए यहाँ से हमें फोल्ड कर देना है। ठीक है, ये देखिए इस तरह से, ये हमें इस तरह से करने से ये शोल्डर में जो हमारा जो सिलाई का फैब्रिक है वो फिनिशिंग से दिखता है, इसलिए हम इसको इस तरह से फोल्ड करते हैं। आप चाहो तो दोनों फोल्ड करके भी इसको शोल्डर जोड़ सकते हैं, पर थोड़ा सा आपको फिनिशिंग चाहिए तो आपको इसी तरह से सिलना होगा। तो देखिए ये इस तरह से यहाँ से भी ऐसे इसको फोल्ड करके सिल देते हैं। ठीक है, आई होप कि ये नेक वाला आइडिया आप लोगों को समझ में आया होगा। तो यहाँ से भी मैं इसको शोल्डर में सिल देती हूँ अभी। तो ये फिनिशिंग से थोड़ा सा हमारा दिखाई देगा। अगर आप लोग दोनों फोल्ड करके इसको एक साथ जोड़ेंगे तो इसका जो फैब्रिक है वो बाहर झलकने लगेगा। तो इसको भी हम बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने फ्रंट में किए थे बिल्कुल उसी तरह से यहाँ से फोल्ड कर देते हैं। इसको कट करना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़्यादा फैब्रिक हो जाएगा फिर। ये देखिए यहाँ से, तो देखिए इस तरह से हम जैसे हम रेडीमेड कुर्ती में देखते हैं बिल्कुल वैसे ही होता है इसमें भी। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सिल देंगे। तो देखिए ये रेडी हो चुकी है अभी हमारी, ये फुली लूज है फ्रेंड्स, आप लोग इसको पहन सकते हैं आसानी से। तो देखिए अब इसकी साइड की सिलाई लगा देते हैं, क्योंकि हमें इसमें डोरी लगाना है। तो वो डोरी कैसे लगेगी वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, तो जितना आपने मार्जिन रखा है उतना ही मार्जिन पे इसको हम सिल देते हैं। मैंने 1/2 इंच का मार्जिन रखा है इसमें, तो मैं इसको 1/2 इंच पे ही सिल दूंगी। ठीक है, तो चलिए सिलकर मैं आगे आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए ये मैंने सिल दिया है इस तरह से। तो देखिए अभी हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर जब मैं वेस्ट में देखिए मैंने 1/2 इंच का यहाँ पर ओपन रखा है। ठीक है, यहाँ से जिस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा ओपन है। मैं आप लोगों को बताना इसमें बता नहीं पाई थी। तो देखिए
यहाँ पर हमने जो नोच लगाए हैं हमारी वेस्ट लेंथ की, वहाँ पर मैंने हाफ इंच इसको ओपन रखा है। तो मैं देखिए खोल कर दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये देखिए इस तरह से हमारी फिंगर जो है इसके अंदर जा रही है। उतना भी मैंने नहीं रखा है, हाफ इंच से थोड़ा सा कम रखा है, जिससे हमारी डोरी जो है इसके अंदर से पास हो सके। ठीक है, तो देखिए ये मैंने एक सवा इंच का ये इस तरह से लिया था, इसको फोल्ड करके मैंने आयरन कर दिया है। इस पट्टी को हम यहाँ पर सिल देंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर, यहाँ से हम इसको दोनों तरफ इसी तरह से सिलेंगे। तो देखिए ये सवा इंच की पट्टी है, इसको मैंने आयरन कर दिया है अच्छे से, ताकि हमें सिलने में आसान हो जाए ये। ओके, बस हमें इसको रखते जाना है और इसके ऊपर स्टिच लगाते जाना है। ओके, तो चलिए इसको मैं इस तरह से सिल देती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ। पीछे भी हम बिल्कुल ऐसे ही सिलेंगे यहाँ से। ठीक है, ये देखिए जहाँ से हमने ओपन रखे हैं वहीं पे हमें इसको सिलना है। तो देखिए ये मैंने सिल दिया है इस तरह से, ये देखिए दोनों तरफ से सिल दिया है मैंने। अब इसको मैं सीधा करके आप लोगों को बता देती हूँ ये कैसे दिखाई देगा, तो आप लोगों को अच्छे से आइडिया हो जाएगा ये कैसे बना है। तो ये देखिए यहाँ से हमारा ओपन है। ठीक है, तो अब हम इसमें से हम अपनी डोरी को इसमें इंसर्ट करेंगे। तो ये डोरी कैसी बनाई जाती है, चैनल पर इसका वीडियो अवेलेबल है, आप चाहो तो इसको वॉच कर सकते हैं। तो देखिए इसको इस तरह से हम सेफ्टी पिन में इस तरह से डाल देते हैं, और यहाँ से जहाँ से हमने ओपन रखे हैं यहाँ से इसको इसके अंदर पास करते हैं। ठीक है, और इसको ये दूसरी तरफ से हम बाहर निकाल देंगे। इसमें टेसल्स बनाना भी आप लोगों को मैं बताऊँगी। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखें। ओके गाइस, तो ये देखिए यहाँ से हमारी डोरी बाहर निकल चुकी है। ये देखिए आप इसको जितनी फिटिंग में चाहे उतना आप इसको फिटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए अब ये डोरी पास हो चुकी है हमारी। अब जो दूसरी डोरी है उसको भी हम दूसरी तरफ से डाल देंगे। तो देखिए इस तरह से, ओके, तो दूसरी जो डोरी है वो भी मैं इसमें डालकर आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर दूसरी डोरी भी मैंने बना दिया है। यहाँ से इसको मैं इसके अंदर पास कर दूँगी, फिर आप लोगों को जो है वो बताऊँगी। ठीक है, यहाँ पर मैं टेसल्स बनाना भी बताऊँगी आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स ये स्लीव कट करते हैं अभी। ये स्लीव के लिए मैंने फेब्रिक को फोल्ड कर लिया है, ये फोर फोल्ड है। ठीक है, आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा फैब्रिक ले लीजिएगा। ये किनारी वाली साइड जो है ये सबसे पहले हटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं होती है हमें। इसमें बहुत ज़्यादा चौड़ाई में किनारी है मेरी, तो इसको मैंने कट कर दिया है। यहाँ से देखिए आपको जितनी भी स्लीव रखना हो उतना रख सकते हैं आप। तो मैं ये 12 इंच पे रख रही हूँ, मैं 1 इंच इसमें मार्जिन के साथ लिया है मैंने। ठीक है, और यहाँ से इस तरह से लाइन को सीधा कर देते हैं, और यहाँ से मैं 3.5 इंच पे डाउन कर रही हूँ इस तरह से। और आपका चेस्ट जितना भी हो उसका फोर्थ पार्ट लीजिए, उसमें हाफ इंच माइनस कर दीजिए और यहाँ लगा दीजिएगा। ओके, और इसको इस तरह से तिरछी लाइन में यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। मैं आपको स्लीव कट करना बता रही हूँ अभी। और यहाँ से आपके यहाँ स्लीव राउंड जितना भी हो आप वहाँ पर लगा सकते हैं। 1 इंच मार्जिन ले लीजिएगा और यहाँ से शेप पट्टी रखते हुए यहाँ से इस तरह से शेप दे दीजिएगा। आप इसमें जितनी लंबी चाहे उतनी रख सकते हैं स्लीव। ओके, तो देखिए ये इसको कट कर देती हूँ मैं अभी। इसके नीचे जो हमें लगाना है उसको भी हम कट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो ये स्लीव रेडी कर लेंगे, उसके बाद ही हम इसमें आगे का कट करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये स्लीव हमारी कट चुकी है अभी। यहाँ से एक नोच लगा देते हैं और यहाँ से हम अपना शेप दे देते हैं, जिसे हम हमेशा देते हैं यहाँ से। ये देखिए ये मैंने इस तरह से कट कर दिया है, और यहाँ से भी एक नोच लगा देते हैं। तो देखिए गाइस ये जो स्लीव है हमारी, सबसे पहले तो हम इसको यहाँ से साइड से इसमें सिलाई लगा देंगे। हमने 1 इंच का मार्जिन रखा है, तो 1 इंच के मार्जिन पे हम इसको दोनों को सिल देते हैं। ठीक है, इसके बाद ही हम इसके नीचे का बनाएंगे। तो चलिए मैं इसको सिल देती हूँ, फिर इसके बाद जो है इसके नीचे का जो है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ठीक है, तो देखिए ये सिल दिया है मैंने अभी मार्जिन पे, अपने 1 इंच के मार्जिन पे। तो देखिए ये मैंने फैब्रिक लिया है इस तरह से, इसकी जो चौड़ाई है वो 25 इंच की है। ये इक्वल है चारों तरफ से, ये 25 इंच का ही है। ठीक है, तो ये देखिए ये भी यहाँ से भी ये 25 है।
ठीक है, आप चाहो तो इससे कम भी ले सकते हैं। ये मेरे पास फैब्रिक मैंने 3.5 मीटर लिया था तो मैंने ज़्यादा ही लिया है। तो देखिए इस तरह से फिर से हम इसको ट्रायंगल बना देते हैं स्लीव का पैटर्न के लिए। ये देखिए जैसे मैंने फोल्ड किया है बिल्कुल इसी तरह से फोल्ड करना है। तो देखिए आप इसकी नोक जो है इस जितनी जितना इसका लंबी नोक रखना चाहते हैं उतना फैब्रिक को इसको आप फोल्ड कर सकते हैं। तो देखिए मैं ये कितना रख रही हूँ ये आप लोगों को बता देती हूँ। तो ये मुझे इतना नहीं चाहिए इसकी नोक मुझे। तो देखिए ये मैं जो है 11 इंच पे रख रही हूँ इस तरह से। ये देखिए अब यहाँ से हमें स्लीव राउंड लगाना है और यहाँ से भी इसको शेप देना है। तो देखिए मैं कैसे शेप दे रही हूँ यहाँ से। ये देखिए यहाँ से हमारा राउंड रहेगा ठीक है। और यहाँ से हम देखिए अपनी स्लीव को इस तरह से लेंगे और यहाँ से फिर से फोल्ड करेंगे क्योंकि ये हमारे 4 फोल्ड है ठीक है। तो यहाँ से इसको इस तरह से लगा देते हैं। तो ये देखिए ये शेप मैंने इस तरह से लगा दिया है अभी। तो इसको कट कर देते हैं अभी। ये देखिए ये कट हो चुका अभी। तो ये जो शेप दिए हैं हमने यहाँ पर भी कट करेंगे ठीक है। ये देखिए इस तरह से ये राउंड में हो जाएगा। यहाँ से अम्ब्रेला रहेगा ये। तो देखते रहिए इसका शेप मैं कैसे देती हूँ। और यहाँ से भी इसको इस तरह से शेप दे देते हैं ठीक है, ताकि ये भी यहाँ से राउंड में हो जाए। हमें सिंगल नोक रखना है इसमें ठीक है। तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको मैं कट कर रही हूँ इस तरह से। तो मैं और शेप दूँगी इसको इस तरह से खोलते हुए। तो ये देखिए ये कैसे लग रहा है। इसको भी यहाँ से थोड़ा सा फैब्रिक को हटा देते हैं। ये थोड़ा सा जो है यहाँ से भी राउंड कर देते हैं। तो ये बिल्कुल राउंड हो चुका है ओके। तो चलिए अभी इसको सिल देते हैं। हम कैसे सिलेंगे अभी ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये हमारा इस तरह से। आप इसमें जितनी लंबी नोक निकालना चाहते हैं उतनी लंबी निकाल सकते हैं। आपको फैब्रिक इसमें थोड़ा ज़्यादा लेना होगा। तो ये बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी हमारी स्लीव। तो चलिए इसको सबसे पहले सिल देते हैं फिर उसके बाद मैं आप लोगों को अटैच करना इसमें बता देती हूँ ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से हमारी स्लीव अटैच हो जाएगी यहाँ से ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम एक सिंगल सिलाई इसमें लगा देते हैं फिर उसके बाद ही हम इसमें आगे का जो है वो सिलेंगे। इसमें हम लेस भी लगाएंगे ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये सिंगल मैंने फोल्ड किया है ठीक है, डबल फोल्ड नहीं किया है, सिर्फ मैंने सिंगल फोल्ड किया है। क्योंकि हम जब डबल फोल्ड करेंगे तो इसके ऊपर हम अपनी लेस को अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से, क्योंकि हम डबल सिलाई करेंगे फिर हम इसमें अलग से लेस लगाएंगे तो ये बहुत सारी ज़्यादा सिलाई हो जाएगी इसमें। तो इस तरह से इसके ऊपर डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर इस तरह से हम अपनी लेस को रखते जाएंगे और इसके ऊपर जो है सिलते जाएंगे ठीक है। तो चलिए इसको मैं पूरे चारों तरफ से इस तरह से सिल दूंगी फिर आप लोगों को बता देती हूँ ठीक है। तो डबल फोल्ड करते हुए मैं इसमें लेस रखते जाऊँगी और सिलते जाऊँगी ठीक है। तो देखिए इस तरह से मैंने सिल दिया है। ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से हमारी ये फिनिशिंग के साथ जो है वो बन चुकी है। आप चाहें तो इस आप भी इसको फिनिशिंग से बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए ये स्लीव हमारी रेडी हो चुकी है। इसको अटैच कैसे करना है वो बताती हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ से भी हमारा ये देखिए राउंड है ठीक है। तो देखिए अभी स्लीव ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ से हमारी जॉइन है। जो जॉइन है वो वाला जो हमारा नोक है पैटर्न का हमारा जो नोक निकला हुआ है यहाँ पर देखिए इसको यहाँ रखना है हमें ठीक है। ये देखिए यहाँ पर मैं पिन लगा देती हूँ यहाँ से। ये देखिए ये पिन लगा दिया है मैंने अभी। अब इसको इस तरह से गोलाई में हम इसको सिल देंगे ठीक है। तो चलिए इसको सिल कर मैं आप लोगों को अच्छे से बता देती हूँ ये कैसे दिखाई देगा। तो देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल सी हमारी स्लीव जो है वो रेडी हो चुकी है। ये जो नोक है हमारी ये नीचे की तरफ लहराएगी ठीक है। तो चलिए दूसरी स्लीव में मैंने इस तरह से इसमें जॉइन कर लिया है। ये देखिए रेडी कर दिया है मैंने इस तरह से। ये जो लेस है हमारी ये बहुत ही कम दाम में मिलती है। आप चाहो तो इसको अच्छे से और भी डेकोरेट कर सकते हैं अपने ड्रेसेस में प्लेन फैब्रिक में, जैसा चाहे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये नोच है हमारा फ्रंट का यहाँ से इस तरह से। तो यहाँ से इसको ज्वाइन कर देते हैं। तो ये देखिए पिन लगा रही हूँ मैं। और ये जो हमारा नोच है सेंटर का इसको यहाँ पर शोल्डर पर लगा देते हैं।
और इसको हम चारों ओर से इस तरह से स्लीव को सिल देते हैं। ठीक है, तो दोनों स्लीव मैं सिल देती हूँ। अभी बेसिक जैसे हम लगाते हैं, जिसको बेसिक नहीं आता है वो बेसिक मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए ये यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, तो देखिए दोनों स्लीव मैंने इस तरह से ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, ये देखिए दोनों स्लीव हमारी ज्वाइन हो चुकी हैं। तो देखिए टेजल्स बनाना मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये मैंने बना दिया है, ये आप लोगों के लिए मैंने एक सिंगल छोड़ दिया है, उसी में मैं आप लोगों को बताऊँगी। ये देखिए ये मैंने यहाँ से इसको छोड़ दिया है, इसमें मैं आप लोगों को, तो चलिए मैं इसको बताती हूँ आप लोगों को इसमें बनाना। ओके, ये देखिए ये मैंने एक चौकोन पीस लिया है इसकी, जो तो दो पीस लिया है मैंने, ये 3.5 इंच में है, ये यहाँ से भी 3.5 इंच पे है, ये चारों ओर से 3.5 इंच पे ही है। ठीक है, तो देखिए इसको इस तरह से हम फिर से फोल्ड कर देते हैं ट्रायंगल में। ये देखिए ये ट्रायंगल में हमने फोल्ड किया और यहाँ से इसको इस तरह से कट कर दिया। तो देखिए ये हमारा इस तरह से बन चुका है। तो सबसे पहले तो हम इसमें अपनी लेस को रखेंगे यहाँ पर और इसको सिल देंगे। ये देखिए ये लेस को हमें कैसे रखना है, देखिए उल्टा रखना है हमें लेस को यहाँ से और इसको सिलते जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लेस को अटैच करेंगे, उसके बाद ही हम इसमें जो दूसरा पीस है उसको लगाते हुए सिल देंगे। ठीक है, इससे हमारी जो धागे हैं फैब्रिक के वो अंदर की तरफ चले जाएंगे, बिल्कुल बाहर दिखाई नहीं देंगे, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा जो टेंसल से वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये मैंने लेस को इसमें इस तरह से अटैच कर दिया है और ये जो दूसरा पीस है इसको इसके ऊपर रखेंगे और उल्टा करते हुए हम इसको सिलेंगे। जो सिलाई हमारी दिख रही है उसी पे हम एक और सिलाई लगा देंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल बराबर से हमारा सिला जाएगा, तो बस इतना ही करना है हमें। ये देखिए इसको सीधा कर दिया मैंने अभी, तो बस मैं इसमें अपना आयरन करूँगी वाटर स्प्रे करते हुए और इसको अच्छे से फिनिशिंग से इसको बिठा दूँगी। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह से मैंने रेडी कर लिया है और इसको मैंने अच्छे से जो वाटर स्प्रे करते हुए इसको आयरन से बिठा दिया। तो देखिए ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ इसमें रेडी हो चुके हैं। तो चलिए अब इसको हम अपनी डोरी में अटैच कर देते हैं। ये देखिए सबसे पहले तो हम इसको इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम इसको सिल देंगे। ठीक है, तो मैं सिलना भी बता रही हूँ आप लोगों को, तो देख लीजिएगा आप लोग। तो बस इतना ही हमें करना है, तो ये हो गया अभी। और इसको हम यहाँ से जितने भी जो धागे हैं वो कट कर देते हैं, ये थोड़ा और भी अच्छे से फिनिशिंग में हो जाएगा। और यहाँ से इसको इस तरह से सीधा कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है ये, और ये हो गया हमारा। अब हम दूसरा पीस लेंगे इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, और इसको यहाँ से रखते हुए हमें बिल्कुल इसी तरह से सिलना है, बाकी सब भी। ओके गाइस, बिल्कुल आप रखते जाइए और सिलते जाइए, ऐसा नहीं करना है हमें, कोई छोटा बड़ा भी हो सकता है इसमें। तो बिल्कुल आप इसी तरह से रखिए, इस तरह से निशान लगाइए और यहाँ से इसको सिलते जाइए। ठीक है, तो ये फैब्रिक जो है ये ओरेब में हो जाता है, तो ये छोटा बड़ा भी हो जाता है, तो आप लोग इसी तरह से सिलिएगा। ओके, तो इसको भी हम यहाँ से कट कर देते हैं थोड़ा सा यहाँ से, ये देखिए अब इसको भी हम सीधा कर देते हैं। तो देखिए ये परफेक्ट हमारे एक दूसरे पे इस तरह से फिट बैठेगा। ठीक है, तो दूसरा पीस लेंगे एक और, फिर से हम बिल्कुल इसी तरह से रखेंगे और यहाँ पर एक निशान लगा देंगे इस तरह से, और फिर से हम बिल्कुल जैसा हमने ये वाले सिले थे बिल्कुल इसी तरह से इसको भी सिल देंगे। ठीक है, तो चलिए मैं अभी आप लोगों को बता दी हूँ, ये सारे जो है मैं इस तरह से इसमें लगा दूँगी, फिर आप लोगों को बता देती हूँ। तो देखिए ये हमने रेडी कर लिया है अभी। तो देखिए अभी जो नीचे घेरा है इसमें हम जैसे हमने स्लीव में लगाए थे बिल्कुल उसी तरह से लगाना है इसमें। सबसे पहले हम सिंगल करेंगे, उसके बाद हम डबल करेंगे, उसके बाद हम इसमें ये लेस को रखेंगे, फिर सिल देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको रेडी करके मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप देखिए यहाँ से जितना फिटिंग आपको इसमें रखना है आप इसमें रख सकते हैं। ओके गाइस, तो चलिए इसकी लुक बता देती हूँ मैं, इसका फाइनल लुक जो है वो देख लीजिए आप लोग,
देखिए ये मैंने घेरे में देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ मैंने इसको लगाया है। आप लोग भी इसको इसी तरह से फिनिशिंग से बना सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत होती है। हमारे जो ड्रेस हैं वो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन जाते हैं। तो देखिए ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो हमने धोती बनाए हैं उसकी भी वीडियो आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं, तो वो भी मैंने अपलोड करके रखा है। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक, तो देखिए गाइज नेक्स्ट वीडियो में आप लोग धोती सलवार की कटिंग और स्टिचिंग बहुत आसान तरीके से मैंने बताया है, तो आप देख सकते हैं इसको। तो देखिए इसका फाइनल लुक है ये हमारा, जो आप लोग मुझे पिक भेज रहे हैं सभी की वीडियो मैं ज़रूर लाने वाली हूँ। तो बने रहिए चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफाई बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। ओके, आप लोगों को नोटिफाई हो जाएगा। ठीक है, जिसको नोटिफाई नहीं होता है उन लोग मुझे अनसब्सक्राइब कीजिए, फिर से सब्सक्राइब कीजिए तो आप लोगों को नोटिफाई फिर से हो जाएगा। ओके, यूट्यूब में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप मुझे थैंक्स बोलना चाहते हैं, यूट्यूब ने नया फीचर ऑन किया है तो उसको भी इस्तेमाल कीजिए, मुझे थैंक्स भी बोलिए, लाइक भी कीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।